Hello friends, welcome back to the English lab. So I'm back with another story for reading purpose. जैसे मैंने बताया था कि reading और story reading is the best way to learn language. इसमें ध्यान रखिए meanings का और pronunciation का कि शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं. The name of the story is Mother's Day, Matri Divas. It starts like this. A man stopped at a flower shop. एक आदमी एक फूलों की दुकान पर रुका to order some flowers to be wired to his mother. ऑर्डर करने के लिए कुछ फूल जिसे उसने वायर करना था टेलीग्राम के थ्रू मैसेज के साथ पार्सल करना था टू हिज मदर अपनी माँ को who lived 200 miles away जो वहाँ से 200 मील दूर रहती थी. As he got out of his car, जैसे ही वो अपनी कार में से निकला बाहर निकला he noticed a young girl, एक छोटी लड़की उसने नोटिस किया देखी sitting on the curb, कर्ब होती है फुटपाथ के साइड में जो लगी हुई ईंटें खड़ी स्ट्रेट लगी होती हैं उनके ऊपर बैठी हुई sobbing, जो धीरे धीरे रो रही थी sobbing होता है सिसकना. He asked her, उसने उस लड़की को पूछा what was wrong, के क्या गलत था क्या गड़बड़ थी. And she replied, तो लड़की ने आगे से उत्तर दिया I wanted to buy a red rose for my mother. मैं अपनी माँ के लिए खरीदना चाहती थी बाय होता खरीदना a red rose, एक लाल गुलाब But I only have 75 cents. पर मेरे पास सिर्फ 75 cents हैं. सेंट जो एक डॉलर में 100 होते हैं सेंट्स, इसके पास 75 थे यानी कि एक डॉलर भी नहीं था उसके पास. And a rose costs $2. और एक गुलाब की कीमत कॉस्ट होता है कीमत होना $2 है. द मैन स्माइल्ड आदमी मुस्कराया एंड सेड और उसने कहा कम ऑन इन विद मी मेरे साथ अंदर आओ आई बाय यू अ रोज आई विल या शैल बाय यू अ रोज मैं तुम्हें एक गुलाब खरीद करके देता हूँ. ही बॉट द लिटिल गर्ल हर रोज उसने उस लड़की के लिए एक रोज खरीदा बॉट खरीदा बाय की सेकेंड फॉर्म एंड ऑर्डर्ड हिज ओन मदर्स फ्लावर्स और अपनी माँ के फ्लावर्स को भी उसने ऑर्डर किया. एज दे वर लीविंग जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे लीविंग जाना ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम उसने उस लड़की को घर तक लिफ्ट दी ऑफर किया एक राइड सवारी. शी सेड तो लड़की ने कहा यस प्लीज यू कैन टेक मी टू माई मदर आप मुझे मेरी माँ तक ले जा सकते हैं. शी डायरेक्टेड हिम टू अ सेमेट्री सेमेट्री होती है सेमेट्री कब्रिस्तान उसने उसको निर्देश डायरेक्शन दे करके वहाँ तक ले गई. वेयर शी प्लेस्ड द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव जहाँ पर उसने प्लेस होता है ध्यान से रखना पुट की जगह प्लेस पुट से बेटर वर्ड है प्लेस उसने ध्यान से रख दिया वो वाला रोज ऑन अ फ्रेशली ताजी ताजी डग खोदी गई ग्रेव के कब्री कब्र के ऊपर. द मैन रिटर्न्ड टू द फ्लावर शॉप इसके बाद जो आदमी वापस फूलों की दुकान पर गया कैंसल्ड द वायर ऑर्डर अपना ऑर्डर वायर वाला कैंसिल किया. पिक्ड अप अ बुके बुके होता है फूलों का गुच्छा जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसने वो एक वहाँ से एक फूलों का गुच्छा उठाया खरीद करके एंड ड्रोव द 200 माइल्स टू हिज मदर्स हाउस और अब 200 मील अपने माँ तक ड्राइव करके कार में चला गया उसको पर्सनली मिलने के लिए गिफ्ट देने के लिए. तो ये था स्टोरी आपकी तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि माँ की क्या कीमत होती है वो इंसान को उसके एहसास हुआ उस लड़की के जो इंसिडेंट देख करके उसकी माँ लड़की की नहीं थी उसकी माँ गुजर चुकी थी तो यहाँ से पता चलता है माँ की वैल्यू. सो इट वॉज़ ए नाइस स्टोरी. सो स्टोरी रीडिंग इज़ द बेस्ट मैथड टू लर्न ए लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स शुरुआत में लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है स्टोरीज पढ़ के उसमें से वर्ड्स भी निकालिए और मैं बोलता हूँ कि बोल बोल के पढ़िए उससे आपकी स्पीकिंग भी स्टार्ट हो सकती है. स्पीकिंग सब कुछ स्पीकिंग इस तरह से नहीं होगा लेकिन स्टार्ट इस तरह से होता है जब आप बोलेंगे तो वर्ड को उच्चारण करेंगे. तो एक बात सुनिए कि लैंग्वेज एक स्किल है जैसे मैंने पहले आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था और स्किल ऐसी चीज़ होती है जो जब हम करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर आने लग जाता है. तो लगे रहो करते रहो बोलते रहो सुनते रहो पढ़ते रहो सारे कुछ करते रहो इस तरह से जैसे जहाँ से भी जो भी मिलता है तो जितना ज़्यादा जुड़ेंगे इसके साथ इंग्लिश के साथ उतना आपके अंदर धीरे धीरे आपको अपने आप फील होगा कि आ रही है धीरे धीरे. उसके साथ लिखना वर्ड्स नोट करना ये सारी चीज़ें करते रहिए. सो
Bye bye. See you again very soon with something more interesting with other videos. So bye bye.